हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब, यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। चलिए सीधे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की, यानी कि फूड चेन की। खाद्य जाल पर बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम होता है, आहार श्रृंखला भी कहते हैं इसे। ये विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसके द्वारा खाद्य स्तरों के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी रेखा में या सीधी दिशा में होता है। देखिए, खाद्य स्तर में क्या होता है, जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो कम से कम 4 से 5 होंगे, इससे अधिक नहीं होते हैं। और खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे से एक सीधी श्रृंखला में संबंधित रहते हैं। और खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ पौधे से ही शुरू होगा और इसमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग नहीं करते। इसका मतलब यह है कि देखिए कि खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले स्थान पर आते हैं हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधे को भोजन बनाने वाले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे टिड्डी है, एक अगर हम घास के मैदान का खाद्य श्रृंखला बनाएं तो घास के मैदान में घास होगी जो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक का काम करेगी। ये स्वपोषी पौधे होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, यानी स्वपोषी होने के कारण। और इनको घास को भोजन बनाने वाले क्या होते हैं, टिड्डी, जो प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डी को भोजन कौन बनाएगा? खाद्य श्रृंखला में जो घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला होगी उसको मेंढक, और मेंढक को कौन खा जाएगा? सांप, और सांप को टॉप कंज्यूमर यानी कि सर्वोच्च उपभोक्ता बाज अपना भोजन बना लेता है। इस प्रकार अगर हम इनको एक श्रृंखला का रूप दे दें तो एक श्रृंखला के रूप में अगर हम इनको आगे पीछे सज्जित करते हैं, लिखते हैं, तो एक श्रृंखला बन जाती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर क्या, उत्पादक इनको भोजन बनाती है टिड्डी, और टिड्डियों को अपना भोजन बनाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। और प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता मेंढक, और मेंढक यानी द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं जैसे सांप, और तृतीय उपभोक्ता यानी सांप को अपना भोजन बनाते हैं टॉप कंज्यूमर जैसे बाज है, चील है आदि। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में कंप्लीट हो जाती है। और खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और जैसे सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग कौन करता है, सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं हरे पेड़ पौधे, और उससे कम ऊर्जा इधर पहुंचती है सौर ऊर्जा, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, धीरे धीरे टॉप कंज्यूमर की तरफ ऊर्जा का जो लेवल है, ऊर्जा का जो स्तर है वो घटता जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहां खाद्य श्रृंखला कंप्लीट होती है। अब देखते हैं खाद्य जाल। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल की बात करते हैं, फूड वेब की, तो पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार की जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोतों का उपयोग करता है, और जबकि खाद्य श्रृंखला में एक उपभोक्ता एक ही भोजन स्रोत का इस्तेमाल करेगा, दूसरा उपभोक्ता भी एक ही भोजन स्रोत का इस्तेमाल कर रहा है, अगला उपभोक्ता भी, तीसरा उपभोक्ता भी एक ही भोजन स्रोत का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। तो लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है, ऐसी ऐसी अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र में जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का इस्तेमाल करता है। जैसे मान लो खरगोश है, खरगोश किसको, वेजिटेबल्स को भी खा लेगा, घास को भी खा जाएगा, पेड़ पौधों की पत्तियों को भी खा सकता है। तो ये इस प्रकार, ऐसी चूहा है, चूहा घास को भी खा सकता है, सब्जियों को भी खा सकता है, अपना भोजन स्रोत इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी प्रकार हिरण के भोजन स्रोत ये भी हो सकता है, ट्री भी हो सकते हैं। ऐसे ही शेर का जो भोजन स्रोत है वो खरगोश भी हो सकता है, उल्लू का भी खरगोश हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे श्रू होते हैं ये, तो इनका भोजन स्रोत भी खरगोश हो सकते हैं। तो इस प्रकार एक भोजन स्रोत का जो संबंध है वो कई जीवधारियों से हो सकता है, इस प्रकार ये एक जाल बन जाता है। तो ये श्रृंखला जो है खाद्य श्रृंखला की तरह सीधी ना होकर आड़ी तिरछी बनती है, और सभी जुड़कर एक जाल सा बना लेते हैं जिसको हम खाद्य जाल
कहते हैं। यानी एक जीव का संबंध या एक उपभोक्ता का संबंध अनेक भोजन स्रोतों से होता है। और भी बहुत सारे जीवधारी जो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, हम उनको इस खाद्य जाल में और भी बना सकते हैं। ये कितना भी घना जाल हो सकती है। तो आज आप लोगों को डेफिनेटली खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल समझ में आ गया होगा। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।